निर्गमन अध्याय एक। निर्गमन अध्याय एक। इस्राएल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए ये है, अर्थात रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जुबलून, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद और आशेर। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। और यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, और इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी, और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था, और उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर पहार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। तब उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नाम भंडार वाले नगरों को बनाया, पर जो जो वे उनको दुख देते गए त्यो त्यो वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इसराइलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इसराइलियों से कठोरता के साथ सेवकाई करवाई और उनके जीवन को गारे, ईट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। शिप्रा और पुआ नाम दो इब्री धाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय जन्मने के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? धाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया कि इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है, वे ऐसी फुर्तीली है कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। और धाइयां इसलिए कि वे परमेश्वर का भय मानती थी उसने उनके घर बसाए। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रख छोड़ना।